सो हेलो, सो वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है शगुन और आप देख रहे हैं मिस्टर शगुन ब्लॉग्स। तो भाई आज सुबह हो चुकी है आज की, और मैं नहा धो के घर से आ भी गया। और आज मेरा पेपर है, मैं भी पेपर देने चला हूँ हमीरपुर में। प्रॉपर हमीरपुर में ही है, अणू कॉलेज सर्च मार सकते हो आप अगर सर्च मारना हो तो। जहाँ पे NIT है, NIT से पीछे ही है जो हमीरपुर की NIT है। भाई अभी यार हिंदी का पेपर है, थोड़ा टेंशन तो होती है क्योंकि दूसरे बार जो पेपर होता है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत अपना लिख सकते हो, पर इसमें टू द पॉइंट ही लिखना पड़ता है जो पढ़ा हुआ है। तो भाई यही है चला हुआ, अभी देखते हैं पेपर कैसा आता है। और चलो चलते हैं अब। यार आप देखो यार, घास ही घास चढ़ोगा आजकल बरसात में, वैसे भी यही होता है। और बारिश बुरिश हो रही जिस वजह से घास ही घास सब जगह घास हो जाता है। अभी तो भाई ये रास्ता ठीक हो गया है, ये रास्ता ठीक करवा दिया है हमारे भाई ने, ही करवाया है जो हमारे यहाँ के पंच वगैरह थे पहले। तो अभी चलते हैं हम, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, पेपर कैसा आता है पेपर के बाद। सो गाइस आप देख सकते हो इस टाइम, और यार बादल देखो कैसे हुए हैं, मतलब मौसम तो एक नंबर है भाई। और जो ये पेड़ है बस यही बस स्टैंड है हमारा, एक हिसाब से ठीक है, मतलब सारी बसें यही रुकती है मतलब। तो अभी आप देखो आगे आगे, ये भाई हमारा इलाका देखो आप यार। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है यार हमीरपुर, यार क्या सही है नज़ारा देखो यार, क्या मज़ेदार है, मज़ा आया ना। चलो आगे चलते हैं। सो हाँ जी गाइस, अभी तुम्हारा भाई पेपर पेपर दे के वापस आ चुका है, और बस अभी बाहर निकला मैं थोड़ी देर पहले। फिर मैं सोच रहा था नीचे पैदल जाते हैं क्योंकि अणु से भी थोड़ा 1.5 किलोमीटर है नीचे, तो मैंने सोचा नीचे ऐसे जाएंगे पैदल ही। अब देख सकते हो यार यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसी साइड है NIT भी, इसी साइड है जो हमीरपुर की सबसे फेमस चीज़ है NIT, वही है यार, वही सबसे चीज़ फेमस चीज़ है। अभी मैं आपको बता दूँ कि भाई इस टाइम मैं हमीरपुर में ही हूँ, हमीरपुर में आगे ऊपर अणु जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर। और भाई पेपर दे के आ गया, पेपर तो भाई क्या ही बताओ, बड़ा ख़तरनाक आया था भाई, लिख के बड़ा बुरा हाल हो गया सच बताओ। तो अभी चलते हैं नीचे, चल के मिलते हैं तुम्हें से, क्या ही करें यार गर्मी बहुत है। तो चलो ठीक है चलते हैं। भाई ये चेक करो कितनी गर्मी है यार, धूप देखो तुम कितनी है, क्या ही करें। मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं, थोड़ी आपसे बात भी हो जाएगी, ऐसे तो मैं नीचे पहुँच जाता फिर उधर से सीधा बस लेता, उधर मन नहीं करता फिर फ़ोन निकालने का। अभी आप देख सकते हो, चलो चलते हैं नीचे पहुँच के बात करते हैं, या तो घर पहुँच के पता नहीं कैसे क्या होगा, चलो देखते हैं। रवि खाई से आप देख सकते हो यहाँ पे काम चला हुआ है, क्योंकि यार ये जो एरिया है ये बहुत ही ट्रैफिक वाला एरिया है, और ऊपर से यहाँ पे मतलब तभी साइड में जगह बना रहे हैं मतलब चलने के लिए। आप देख सकते हो काम चला ही हुआ भाई, तो यार इस काम के चक्कर में यार बहुत से पेड़ पूड़ वगैरह टूट जाते हैं यार, काट देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर यार ये जगह सेफ भी नहीं है वैसे, अगर फुटपाथ नहीं होगा तो भाई बंद होगा बहुत, यहाँ पर पहले ही एक्सीडेंट वगैरह हो चुके हैं मतलब ऐसे ही, तो इसलिए थोड़ा तो होना चाहिए भाई, इसीलिए बना रहे हैं इसे। बाबा आगे देखो, चलो चलते हैं। गाइस यार बताओ यार, मेरे को ये किया की गाड़ी यार बड़ी सही लगती है, साइटोस स्विफ्ट भी सही लगती है यार मेरे को, लगभग सभी से गाड़ियाँ सही लगती हैं। बस भाई अभी तेरे तुम्हारे भाई के पास गाड़ी नहीं है, जब तुम्हारा भाई गाड़ी लेगा तो मज़ा आ जाएगा। क्या ही कर सकते हैं भाई, अभी स्ट्रगल फेस चला हुआ है ज़िंदगी का, और हाँ अगर ये ना हो तो भाई तुम क्या ही करोगे भाई, स्ट्रगल हर एक बंदे के ज़िंदगी में होना ही चाहिए, तभी बंदा कुछ कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, मैं तो यही सोचता हूँ। और भाई अगर तुम चाहते हो ना तुम सक्सेस हो तो मतलब तुम्हें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो बिना स्ट्रगल किए आगे बढ़ गया। भाई स्ट्रगल कर रहे हैं हम भी, कर रहे हैं सभी कर रहे हैं, देखो देखो आगे क्या होता है। तो चलो चलते हैं, और यार धूप बड़ी चीज़ है, अगर तो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा नहीं तो मेरा तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा यार यहाँ पे। चलो चलते हैं। सो हाँ जी गाइस, अभी हम बना ले आगे हम मैगी,
देख सकते हो आप। पर आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट लाइट की बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे भी कट लगा हुआ है अभी। और भाई आप देख सकते हो हमारे घर पे, ये मैं अभी घर पे हूँ अपने बरामदे में। और भाई गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, कुछ बता ही नहीं सकता। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं जा रहा नहा के आ जाऊँ, फिर उसके बाद आके मैं मैगी बनाऊँगा, फिर उसके बाद ही खाएंगे यार, गर्मी बहुत है। ठीक है, मैगी बनाने के लिए पहले हमें नहाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो अंदर नहीं घुस जाएगा भाई, गर्मी बहुत है। तो चलो ठीक है, मैगी बनाते फिर उसके बाद आके आपको बताता हूँ। चलो ठीक है भाई, अभी हम चले हैं नहाने। हमारा बाथरूम अच्छा, भाई नहा। अभी आप देख सकते हैं भाई धूप तो बड़ी बुरी आवाज़ चमकी हुई है, और ये हमारा जरा पीछे का एरिया है। और अभी देखो गाइस बड़ा बुरा हाल है, धूप थोड़ी तेज है। चलो चलते हैं मैगी बना रहे हैं। ये है हमारा ब्लैकी और एक शेर उधर है, छोटा शेर। ये मेरे दादी हैं, ये देखो ये छोटा शेर। देखो इसे छाया में लेके चले हैं शायद। इसको घुमाने लेके चले। और गाइस आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे तो मक्की बड़ी बड़ी हो गई है, चला हुआ पीछे पीछे। और वो है ब्लैकी, ब्लैकी देख रहा है, ये मेरा घर है यार। अब भाई ये देखो यार कितना सही बने हुआ है, ये काफ़ी सही बना है यार, मेरे को काफ़ी पसंद आया था ये जिस बंदे ने बनाया था। और ये मेरे दादा जी का घर है, छोटे दादा का। और ये मेरे चाचा जी का। तो गाइस ये है मेरी किचन, मतलब हमारी किचन। तो भाई अभी लाइट ऑन करता हूँ मैं क्योंकि बहुत दिनों से मतलब बंद क्या ऐसे तो खुद ही रहती वो भाई, पर मेरे को तो याद नहीं रही, आज तो लाइट ही नहीं है। तो चलो अभी मैं बनाने वाला हूँ, देखो आप यप्पी नूडल्स और मैगी। भाई इन दोनों को इकट्ठे बनाते हैं तो भाई मेरे को बड़ी सही लगती है, कभी ट्राई करना दोनों को इकट्ठी बनाना, आपको पता चलेगा कितनी सही बनेगी। तो चलो चलते हैं। किसकी मैगी 2 मिनट में बनती है भाई? वो उनकी बनती है जिन्होंने उसको स्पॉन्सर करना, ऐसे हमारी कभी 2 मिनट में नहीं बनी है, ऐसे रखी हुई है बनी नहीं है। तो हाँ जी गाइस अभी मैंने अपनी मैगी बना ली है, आपको दिखा दूँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, वैसे तो मैं एक्सपर्ट हूँ हर एक चीज बनाने में। देखो भाई ये देखो